50th चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं और 51st चीफ जस्टिस ऑफिस लेने वाले हैं। अब इन सब चीजों के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जज एंड अ चीफ जस्टिस? देखो, नाम तो हमने सुना है कि चीफ जस्टिस ने ये किया, चीफ जस्टिस ने वो किया, चीफ जस्टिस ने इतनी बड़ी स्पीच दी, फलाने को डांट दिया, पर चीफ जस्टिस ऐसा क्या है? उसकी क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उस पोजीशन की सैंक्टिटी है, कैसे बनते हैं ए टू जेड? जो भी आपको आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जानना है, हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, सो द टॉपिक इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑल यू नीड टू नो, जिन चीजों को जानना आपके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद से मेरा मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 124 आपसे ये कहता है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स द लार्जर नंबर नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। ये इनिशियली था, सबसे पहले जब हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट बनी थी और इस संविधान के बाद में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को गठित किया था, तब हमारे पास कुल मिला के 8 जज थे, एक चीफ जस्टिस, 7 दूसरे जज, टोटल कितने हो गए 8। नाउ इनिशियल नंबर 8 था, आज हमारे पास 34 जजेस हैं, वी हैव 34 जजेस, ऑफ कोर्स दैट इज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट वी हैव 34 जजेस एज ऑफ टुडे। नाउ कभी भी अगर इस तरीके का सवाल आता है ना, कितने जजेस हैं, तो हमेशा ये ध्यान देना, अगर ऑप्शन में ये है 1 + 33, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? द ऑप्शन 34 इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, है ना, 34 किया वो भी गलत नहीं है, पर संविधान ये नहीं कहता कि कुल 34 जज होंगे, संविधान कहता है एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य जज, राइट? सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1 + 33। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट, टर्म, एलिजिबिलिटी, रेजिग्नेशन, रिमूवल, कौन अपॉइंट करता है? देखो ये समझना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के लेवल पर आता है, राइट? द प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस दे कम ऑलमोस्ट एट पार, ये शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करता है, सारी चीजें जो हो रही हैं एक लगभग समतुल्य लेवल पर हो रही हैं, इफ नॉट द सेम। ऐसा नहीं है कि तो मतलब राष्ट्रपति जितना पावरफुल चीफ जस्टिस हो गया, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशियरी की जितनी बॉडीज है पूरे भारत में उनका हेड है, उनका प्रमुख है, उसके द्वारा लिखा गया जजमेंट अपने आप में न्याय है, उसके द्वारा लिखा गया जजमेंट अपने आप में कानून का एक पार्ट है। ऑफ कोर्स उसे बदला जा सकता है, आगे जाकर के बेंचेस उसको बदल सकती हैं, पर जितने समय के लिए वो जज है उतने समय के लिए इस सिस्टम में वो सर्वोपरि। देखिए, जो चीफ जस्टिस जाने वाला होगा वो एक सक्सेसर को रिकमेंड करेगा, तो अभी जैसे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने सक्सेसर के तौर पे नियुक्त किया है जस्टिस संजीव खन्ना को, और यदि सूटेबल प्राप्त पाया जाता है तो जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं उनका नाम रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि हाँ साहब इनके विषय में सब चीजें सही आई है, तब फिर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अच्छा, आपने हमेशा ये सुना होगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिकम्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, समझो, इसके पीछे कुछ भी ऐसा नहीं है कि लॉ में लिखा है इसलिए होगा, इट इज मोर ऑफ अ कस्टम। यहां मैंने कहीं लिखा भी होगा, यस, द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज विल बिकम द सीजेआई, इट इज मेयरली कस्टमरी, इट इज नॉट द लॉ। अपॉइंटमेंट इनका करते हैं प्रेसिडेंट, एंड सीनियोरिटी हमने कहा अब कस्टमरी है तो भी फॉलो तो होता है ना, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट थे वो जस्टिस संजीव खन्ना ही थे, अभी सीनियोरिटी के रूल के हिसाब से ही है, जो हमने 8 चीफ जस्टिसेस बताए वो सीनियोरिटी के हिसाब से ही है, एंड अगर सीनियोरिटी रूल फॉलो होता है तो वो चीफ जस्टिस बनेंगे, दैट इज द आइडिया। सीनियोरिटी कैसे मेजर होगी? लेंथ ऑफ सर्विस एट द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे नहीं होगी कि उम्र में कौन बड़ा है, ऐसे नहीं होगी कि मैं ज्यादा साल से जज हूं, मैं हाई कोर्ट में इतने साल रहा, सुप्रीम कोर्ट में इतने साल रहा, ना, अगर मैं एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूं और मुझे डायरेक्टली बार से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है, समझना,
डायरेक्टली बार से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है, तो बहुत संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा टेन्योर ज्यादा लंबा रहा हो एज कंपेयर टू दोज जो हाई कोर्ट से पहुंचे हैं बाद में, राइट? तो जिसने ज्यादा समय सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया हुआ है उसको सीनियर गिना जाता है। इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, उम्र दी हुई है 65 वर्ष की, कि 65 वर्ष की उम्र तक ये चीफ जस्टिस बने रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। रिजाइन करने के लिए इन्हें लिखित में राष्ट्रपति महोदय को देना पड़ेगा कि साहब हम रिजाइन कर रहे हैं। रिमूव करना बहुत मुश्किल है, रिमूव करने के लिए आपको इंपीचमेंट करना पड़ेगा। इंपीचमेंट भाई साहब पार्लियामेंट कर पाती है, पार्लियामेंट में भी कैसे होता है, एक हाउस ने पारित किया, दूसरे हाउस ने पारित किया, उसकी भी एक मेजोरिटी है, वो होने के बाद राष्ट्रपति ने कहा, तब जाके आपका इंपीचमेंट होता है। आप और उसके भी केवल दो ग्राउंड्स हैं, प्रोवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, बस, और कोई तीसरा ग्राउंड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते इसके जजमेंट गलत है, आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति फलाने थॉट प्रोसेस का है, आप ये नहीं, मतलब देर कैन नॉट बी एनी अदर ग्राउंड, ओनली प्रोवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। आज तक इंपीचमेंट किसी भी चीफ जस्टिस का नहीं हुआ है, ठीक है? बहुत हाईकोर्ट जजेस के इंपीचमेंट शुरू हुए, सक्सेसफुल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट जजेस के इंपीचमेंट शुरू हुए, जस्टिस दीपक मिश्रा का शुरू हुआ था, इट डिड नॉट एंड इन द इंपीचमेंट पर से, राइट? इंपीच नहीं किया गया, प्रोसेस शुरू हुआ होगा पर इंपीचमेंट हुआ नहीं। बहुत मुश्किल है निकाल पाना, एंड आज तक ना तो किसी ने रिजाइन किया है ना ही कोई रिमूव किया गया, व्यक्ति ने ज्वाइन ही नहीं किया। पता है ऐसी भी परिस्थिति आई है कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका मिल रहा है, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, लाइक मेरे को नहीं बनना, वो ठीक है, किसी ने आज तक रिजाइन नहीं किया, किसी को आज तक रिमूव नहीं किया गया। आगे देखते हैं। अब देखो कुछ कुछ ऐसे लोग रहे, हमेशा चीफ जस्टिस तो बनते रहते हैं, 51वें चीफ जस्टिस बनने वाले, यानी 50 चीफ जस्टिस आए और गए। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? पहले चीफ जस्टिस कौन थे? ऑनरेबल जस्टिस एच जे कानिया, हरिलाल जयकिशन दास कानिया, ठीक है? इनका टर्म 1950 से 1951 रहा। टर्म भले ही छोटा रहा हो पर आजादी के बाद पहले जो चीफ जस्टिस बने थे वो ये थे। फिर पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केजी बालाकृष्णन बने थे सन 2007 में। फिर पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एम हिदायतुल्ला बने थे। अब एम हिदायतुल्ला इज अनदर लेजेंड, चलो पहले उनके बारे में देख लेते हैं। जस्टिस एम हिदायतुल्ला वॉज अपने समय में द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल, द यंगेस्ट हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, यंगेस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, फर्स्ट मुस्लिम सीजेआई, एंड नॉट जस्ट दैट, he was also the sixth vice president of India, he was the acting president in 1969 and he was the acting president in 1982. इनके नाम पे National Law University है, HNLU, Hidayatullah National Law University in Raipur, that is his legacy. ऐसा व्यक्ति जिसने वकालत से अपना करियर शुरू किया, जज बने, सुप्रीम कोर्ट जज बने, चीफ जस्टिस बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम किया, ऐसा कैसे हो सकता है? जब प्रेसिडेंट नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ये दोनों लोग नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी जगह काम करते हैं, दैट इज द लॉ, ऑलराइट? एंड आप इनका भाग्य कहिए या फिर आप इनकी मेहनत कहिए या फिर दोनों का एक समायोजन कहिए, पर कुछ भी हो ये व्यक्ति एक अलग लेजेंड बन करके सामने निकले थे। चलिए वापस आते हैं। फर्स्ट पे सबसे कम समय सर्व किया जिन्होंने वो है जस्टिस कमल नारायण सिंह, सिर्फ 18 दिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। हाँ, आप ऐसे भी चीफ जस्टिसेस हैं और रहे हैं जिन्होंने एक महीने सवा महीने सर्व किया है, बट अगर हम शॉर्टेस्ट की बात कर रहे हैं तो 18 डेज इज जस्टिस के एन सिंह। लॉन्गेस्ट सर्विंग जो चीफ जस्टिस रहे वो जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस थे ना डी वाई चंद्रचूड़, उनके पिताजी, उनके पिताजी करीब 1978 से 1985 तक, इतने लंबे समय तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रहे। बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में इनका हाथ रहा। इनफैक्ट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, अगर आप जो प्रेसिडेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के उनको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ ने इतना शानदार काम किया है और इतने सारे जजमेंट्स में इतने लैंडमार्क जजमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं कि जिनको आज तक भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द बार, मतलब
बहुत सारे चीफ जस्टिस ऐसे होंगे जो बाहर से उठ करके हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ना, हम उनकी बात कर रहे हैं जो एडवोकेट थे, एडवोकेट से उठा करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया, सीधा सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया और उसके बाद उठा करके इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये पहले व्यक्ति 1971 में बने थे, एसएम सीकरी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एसएम सीकरी। देखिए, अब जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार जो सीनियोरिटी रूल है ना वो कस्टमरी है, हर बार फॉलो नहीं होता, तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब इसको फॉलो नहीं किया गया। आइए देखते हैं। फेब्रुअरी 1964 में एक हमारे जस्टिस इमाम हुआ करते थे, वो बहुत ज्यादा बीमार थे जिस कारण इन्होंने पोस्ट ज्वाइन करने से मना कर दिया और जस्टिस गजेंद्र गढ़कर को वहां पर उनकी जगह पर चीफ जस्टिस बनाया गया। ये तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन बाकी दोनों अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं हुए, यहां हमें सरकार से टसल की स्थिति समझ में आती है। देखिए, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट आया, जजमेंट से दुखी है सरकार और इस कारण से ऑनरेबल जस्टिस ए एन रे को जज बना दिया गया, जस्टिस चेलात, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस ग्रोवर, इन तीनों को सुपरसीड करके, तीन जजेस को सुपरसीड करके चौथे जो सीनियर मोस्ट जज थे उन्हें जज बना दिया गया। इनफैक्ट इतनी ह्यू एंड क्राई, इतना अनरेस्ट हो गया था कोर्ट्स में ऑल ओवर द इंडिया कि जजेस ने रिजाइन करने की धमकी दे दी थी कि अगर ये चीज फॉलो होती रही हम रिजाइन कर देंगे, नोबडी इज गोइंग टू स्टे ऑन दीज पोजिशन, आप बना लो आपको जिसको बनाना है। सी, देर हैज टू बी अ सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट? देर हैज टू बी, आप इंटरवीन नहीं कर सकते, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर जो रूलिंग पार्टी है वो चुनने लगे कि तुम जज और तुम नहीं, रूलिंग पार्टी है वो चुनने लगे कि तुम जज और तुम नहीं, तो फिर बचा ही कुछ नहीं ना। फिर तो जो जज बनेगा वो रूलिंग पार्टी की चूजिंग का होगा, वो रूलिंग पार्टी के फेवर में जजमेंट देगा। दिस वुड बी द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अटेम्प्टेड। नाउ नेक्स्ट इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का जो केस है, उसमें जितने जजेस थे उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया था, एक्सेप्ट फॉर जस्टिस हंस राज खन्ना। जस्टिस एच आर खन्ना का ये डिसेंट एक नींव बना जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने जजमेंट्स दिए, बहुत आज तक। इनफैक्ट अगर 10 जज भी बैठे हैं और उसमें 9 एक बात कह रहे हैं तो 10 वक्त कह सकता है आई डिसेंट, मेरी जो राय है, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो जजमेंट है इन लोगों के कॉन्करेंस में नहीं है, पर वो भी ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। और जस्टिस एच आर खन्ना कि इस डिसेंट के कारण उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया गया, उनकी जगह जस्टिस एम एच बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। नाउ दीज वर सम वेरी शॉकिंग अपॉइंटमेंट्स। नाउ यही जस्टिस एच आर खन्ना अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं और इन्हीं के नेफ्यू हैं जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि अब अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे यहाँ बनने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 8 चीफ जस्टिसेस की लाइन जो तैयार है ये सीनियोरिटी बेसिस पर है। अगर इस बीच में कभी ऐसा होता है कि नहीं सीनियोरिटी रूल नहीं फॉलो किया, किसी की इल हेल्थ हुई या कोई और कंटिंजेंसी हुई, तो एक अलग चीज है, अन्यथा दिस इज द फ्लो दैट विल बी यू नो ऑब्जर्व्ड। सो जस्टिस संजीव खन्ना 6 महीने तक चीफ जस्टिस रहेंगे, फॉलोड बाय जस्टिस बी आर गवई, देन जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस जे बी पार्डीवाला एंड जस्टिस के वी विश्वनाथन। इसमें सबसे ज्यादा सर्व करने वाले हैं जस्टिस पार्डीवाला, जो कि 2 साल से ऊपर सर्व करेंगे, और सबसे कम सर्व करने वाली हैं जस्टिस बी वी नागरत्ना, जो 36 दिन सर्व करेंगी, लेकिन ये पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी, तो दैट इन इटसेल्फ वुड बी अ हिस्टोरिकल थिंग। नाउ ऑलराइट, सो दैट्स मोस्टली अबाउट इट। चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रेजिग्नेशन कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, कितने टाइम सर्व करता है, कौन होता है, पावर क्या होती है, आपको पता है चीफ जस्टिस जो होते हैं ना उनका उनका उनके ऊपर जुडिशियल फंक्शंस के अलावा, ऑलराइट, जुडिशियल फंक्शंस के अलावा ये बहुत सारे फंक्शंस एंड पावर्स होते हैं। जैसे इज द हाईएस्ट रैंकिंग जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, इन्हें फर्स्ट अमंग द इक्वल्स कहा जाता है। देन इनको कहते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर। रोस्टर क्या होता है कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा, राइट? किसी को सिविल के दे देते हैं, किसी को एसएलपीज दे देते हैं, किसी को क्रिमिनल मैटर्स दे देते हैं, इस तरीके से काम जो है वो बांटा जाता है। मास्टर ऑफ रोस्टर्स इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन जज कौन से केसेस सुनने वाला है। फिर
ये प्रेसिडेंट को ओथ भी दिलवाते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजेआई प्रेसिडेंट हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थ्रू कलेजियम जो होता है वो कलेजियम के लीडर भी यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके अलावा इनके जो जुडिशियल फंक्शंस है वो भी बहुत है। इनके पास जिम्मेदारी होती है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। एंड इन सब के अलावा जुडिशरी की जो सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करते हुए चलना, राष्ट्रपति को समय समय पर लीगल पॉइंटर्स के ऊपर एडवाइस देना, ये सारी जिम्मेदारियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस की ही होती है। इस सब के अलावा इनके पावर्स, इनके फंक्शंस आर इमेंस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्रॉज अ वेरी ह्यूज सैलरी, जिसमें अगर हम अलाउंसेस वगैरह मिला लें सो इट इज ऑलमोस्ट एट पार विथ व्हाट द प्रेसिडेंट गेट्स, राइट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। जब हम सिटीजन हायरार्की की बात करते हैं तो उसमें इनकी बहुत हाई पोजीशन होती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक अपनी सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जितने भी जजमेंट्स होते हैं वो पूरे भारत के सारे कोर्ट्स, सारे कमीशंस, सारे ट्रिब्यूनल्स सब पर बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट सीजेआई, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स रखते हैं, बट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको ऑथर किया हुआ है सो इन इन जजमेंट्स की सैंक्टिटी अपने आप बढ़ जाती है, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ नॉट जस्ट द सुप्रीम कोर्ट बट द एंटायर जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री। नाउ लास्टली, एज यू हैड सीन दिस, जुडिशरी गोल्ड अपग्रेड हो रहा है। एज इन जुडिशरी गोल्ड में प्रीवियसली हम 10 स्टेट्स को टारगेट किया करते थे, अब हम 14 स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं। दिस इज जेजी 2.0। एमपीसीजे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, एमपीएससी सीजे, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये सारे स्टेट्स अब हमारे कोर्सेज में जो है कवर किए जाएंगे। अगर आप लोग इनमें से किसी भी स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंसिडर एटलीस्ट गोइंग थ्रू द डेमो लेक्चर्स, एटलीस्ट मेकिंग एन इंक्वायरी, सीइंग कि आपको यहाँ क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, दैट विल एड यू इन योर प्रिपरेशन। अभी रिसेंटली राजस्थान का रिजल्ट आया है, वी हैव गिवन इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ सिलेक्शंस, एंड अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे फाउंडेशन बैच के हैं, बहुत सारे सेल्फ पेस बैच के हैं, एज एन हमारे पास बैचेस भी बहुत सारे टाइप के हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उसको एक बार देखिएगा एंड एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर इससे थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई हो या इंटरेस्टिंग लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट्स में हमें बताइएगा कि और किस विषय में क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।